अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूँ आयशा इरशाद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। पाकिस्तानी ड्रामास का जो कंटेंट है उसमें क्या बेहतरी आनी चाहिए, क्या वो फैमिली गैदरिंग में बैठकर देखे जा सकते हैं, उसके अलावा उनकी कुछ कमियाँ और खासियाँ लोगों से पूछेंगे और उनसे बात करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। तो आइए लोगों से बात करते हैं। पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं उनका कंटेंट जो है वो कैसा आपको लगता है और आपको क्या लगता है कि उसमें बेहतरी आनी चाहिए? इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है और मतलब काफ़ी एक जैसा है हर तरह का, तो ज़्यादा इतना एंटरटेनमेंट वाला नहीं होता शायद, तो एंटरटेनमेंट उस तरह का नहीं होता, लेकिन इम्प्रूवमेंट काफ़ी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि फैमिली में बैठ के हम वो देख सकते हैं कंटेंट जैसा भी पाकिस्तानी ड्रामों में आ रहा है? कुछ कुछ देख सकते हैं, तो मतलब कि कुछ ऐसे लगते हैं जैसे रमज़ान में कभी लग जाते हैं या कुछ भी, तो थोड़े बहुत होते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है अभी। ओके, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं उनका कंटेंट आपको क्या लगता है कि बेहतर होना चाहिए या सही है? नहीं, उनका कंटेंट सब बेहतर होना चाहिए हमेशा। ये हम शादियों वाले एक ही ड्रामे देखते रहते हैं, तो थोड़ा क्राइम, थोड़ा थ्रिलर, थोड़ा उस तरह का होना चाहिए, तो ज़्यादा एंटरटेनिंग लगेगा। और क्या लगता है आपको कि फैमिली में बैठ के हम देख सकते हैं ड्रामे? हाँ, देख सकते हैं, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट मतलब चेंज हो, थोड़ा चेंज आएगा ना तो और ज़्यादा मज़ा आएगा फिर एंटरटेनमेंट देख। पाकिस्तानी ड्रामों में जो कंटेंट दिखाया जा रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है, बेहतर होना चाहिए या क्या? ये मैं बात करना चाहूँगी, कुछ पाकिस्तानी जो ड्रामे हैं उनका कंटेंट वाकई बेहतर होना चाहिए और कुछ जो है वो वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे भी पीछे बहुत ही ड्रामा गया है अभी, ये तेरे बिन, डेफिनेटली तेरे बिन का जो कंटेंट था ना उसमें वो मैसेज बहुत गलत पोर्ट्रेट हुआ है, लेकिन वो बहुत हिट हुआ है, लेकिन जो उसका अगर हम मैसेज देखें ना वो बहुत गलत है, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये मैसेज इस तरह नहीं जाना चाहिए। और दूसरा भी मायरे चल रहा है, मायरे का मैं कंटेंट कहना चाहूँगी, उनका बहुत अच्छा है, राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है, एक्टिंग बहुत कमाल हुई है उसमें, उन्होंने सही जो छोटे बच्चों की जल्दी उम्र में शादी कर देते हैं उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और ये पॉजिटिव मैसेज जा रहा है और लोग इसको ले भी रहे हैं। और दूसरा अभी ये भी बात करना चाहूँगी, पाकिस्तानी ड्रामा जो इंडस्ट्री है वो पहले से बहुत ग्रो हुई है और उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, तो ये साथ साथ चलता रहेगा। कुछ कंटेंट अच्छे आते हैं और कुछ कंटेंट बुरे आते हैं, और लेकिन वो है कि आवाम को भी देखना चाहिए कि क्या किस कंटेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए और किसको डिसएग्री करना चाहिए। पाकिस्तानी ड्रामाज हैं उनका कंटेंट आपको कैसा लगता है, लाइक उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? बहुत सारे ड्रामास हैं जो कि अच्छे कंटेंट पे बनाए गए हैं, जैसे कि बाजी बेबी था, उसमें डोमेस्टिक इश्यूज दिखाए गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी दिखाया गया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे और नेगेटिव पॉइंट्स भी। और एक ड्रामा अभी कुछ ही दिन पहले ख़त्म हुआ है, सिर्फ तुम, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब ड्रिंक वगैरह का, अल्कोहल का, इस चीज़ का दिखाया गया है जो नेगेटिव पॉइंट था कि जनरेशन को नहीं दिखाया। अभी एक ड्रामा चल रहा है मायर की, एक छोटी बच्ची की जो अर्ली चाइल्ड मैरिज है, उस पर उन्होंने दिखाया, ये बहुत अच्छा कंटेंट है कि उन्होंने एक चीज़ दिखाई जो हमारी सोसाइटी में हम लोग फेस कर रहे हैं, सारे लोग इस चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, यहाँ अपर पंजाब में नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, ऐसे गांव हैं जहाँ पे ये होता है, लेकिन इसको न्यूमिनेट नहीं किया जाता, इस चीज़ को बताया नहीं जाता कि इस तरह अर्ली मैरिज हो रही है और उसके क्या इश्यूज़ है। अभी तो ये जो ड्रामा है या इसका कॉन्सेप्ट है ये तो एक सिटी में बनाया गया, एक सिटी वाला माहौल दिया गया, लेकिन जो विलेज की गर्ल्स हैं उनको तो बहुत सारी इस चीज़ में बहुत सारी वो इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। तो ड्रामास जो हैं वो एक हमारी सोशल लर्निंग है और उस सोशल लर्निंग को प्रमोट भी किया जा रहा है, कहीं पे डिग्रेड भी किया जा रहा है, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि अच्छा से अच्छा कंटेंट दें जो हमारे लिए, आने वाले बच्चों के लिए या आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा रहे उनकी मतलब। पाकिस्तानी ड्रामास का जो कंटेंट है आपको क्या लगता है उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? मुझे लगता है क्योंकि उसमें सारे लाइक लव स्टोरी है और बच्चों को लाइक इनकरेज कर रहे हैं, बेशक अब जो मतलब उस पर बैठे हुए उनके तो पीछे 10,000 लोग होते हैं और जो बच्चे होते हैं बाकी जो देख रहे हैं उनको तो ज़्यादा फैंटेसाइज हो रहा है कि पता नहीं क्या है वो, तो मुझे ऐसा लगता है उस चीज़ को कम करना चाहिए। कोई ऐसा ड्रामा जिसकी एग्जांपल देना चाहिए? सारे ड्रामे, सारे ऐसे तेरे बिन वगैरह, ये बहुत ज़्यादा थे, खुदा और मोहब्बत बहुत ज़्यादा था। तो आपको क्या लगता है कि फैमिली गैदरिंग में बैठ के हम ये ड्रामास देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच जी। इनका कहना था कि बहुत सारे ड्रामास ऐसे हैं जिनको फैमिली गैदरिंग में बैठकर नहीं देखा जा सकता, बच्चे भी ड्रामास देखते हैं जिसका असर बहुत बुरा होता है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ लोगों ने अपनी मुख्तलिफ राय दी, कुछ लोगों को पाकिस्तानी ड्रामास का कंटेंट अच्छा भी लगता है और कुछ लोगों को उसमें बहुत सारी खामियाँ नज़र आती हैं। इस वीडियो के साथ ही मुझे दे इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।